द साइकोलॉजी ऑफ मनी चैप्टर 19 अब सब साथ में बाय इवॉल्व। हमने अपने पैसे की साइकोलॉजी के बारे में क्या सीखा? बधाई हो, आप अब तक पढ़ या सुन रहे हैं। अब टाइम है उन चीजों को साथ पिरोने का जो हमने अब तक सीखी। ये चैप्टर एक समरी की तरह है, कुछ छोटे और कार्यवाही लायक लेसंस जो आपको बेहतर फाइनेंशियल लेसंस लेने में हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक डेंटिस्ट के अपॉइंटमेंट के बारे में एक कहानी सुनाना चाहूंगा जो बुरी तरह से गड़बड़ हो गया। ये हमें इस बारे में इंपॉर्टेंट लेसन दे सकता है कि धन दौलत के मैनेजमेंट को लेकर सलाह देने के क्या खतरे हो सकते हैं। क्लेरेंस हाइजेस 1931 में डेंटिस्ट के पास गए। उनके मुंह में बेतहाशा दर्द था। उनके डेंटिस्ट ने उन्हें दर्द कम करने के लिए एनेस्थीसिया दे दिया। घंटों बाद जब क्लेरेंस जागे तो उनके 16 दांत और टॉन्सिल जा चुके थे और फिर सब गलत हो गया। एक वीक बाद सर्जरी की कॉम्प्लेक्सिटीज के कारण क्लेरेंस की मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी ने डेंटिस्ट पर मुकदमा दायर किया, लेकिन इसलिए नहीं कि सर्जरी में गड़बड़ हुई। 1931 में हर सर्जरी में जान जाने का रिस्क रहता था। उनकी पत्नी के अकॉर्डिंग क्लेरेंस ने कभी भी सर्जरी के लिए सम्मति नहीं दी थी, और अगर उनसे पूछा गया होता तो भी वे नहीं देते। ये मामला अदालतों में चलता रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 1937 में डॉक्टर और मरीज के बीच सम्मति इतनी पारदर्शी नहीं थी। एक अदालत ने संक्षेप करते हुए कहा कि डॉक्टरों को सबसे ग्रेट मेडिकल डिसीजन लेने की इंडिपेंडेंस की जरूरत है। इसके बिना हम साइंस की ग्रोथ का बेनिफिट नहीं उठा सकते। ज्यादातर हिस्ट्री में एक डॉक्टर की जॉब मरीज को ठीक करना होता था, और मरीज डॉक्टर के इलाज के बारे में जो भी सोचता हो। डॉक्टर जे केट्स ने अपनी बुक द साइलेंट वॉल्ड बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट में इस फिलोसॉफी के बारे में लिखा। डॉक्टरों को लगता था कि इस गोल को पूरा करने के लिए वे अपने मरीजों की शारीरिक और इमोशनल जरूरतों को पूरा करने के लिए बाध्य थे, और वो भी अपने अथॉरिटी में इलाज रिलेटेड डिसीजन लेते हुए अपने मरीजों से कंसल्ट किए बिना। ये आइडिया कि मरीजों को भी डॉक्टरों के साथ मिलकर डिसीजन लेने का अधिकार हो सकता है, ये किसी भी मेडिसिन के लोकाचार का हिस्सा नहीं था। इसमें कोई ईगो या द्वेष नहीं था। ये दो पॉइंट्स का एक बिलीफ था। नंबर वन, हर मरीज अच्छा होना चाहता है। नंबर टू, उनके इलाज का एक ही यूनिवर्सल और सही तरीका है। अगर आप इन दो बातों में विश्वास रखते हैं तो मरीजों की सम्मति न लेने का मतलब समझ में आता है, लेकिन मेडिसिन इस तरह नहीं चलती। पिछले 50 सालों में मेडिकल स्कूल धीरे धीरे बीमारी का इलाज करने से मरीजों का इलाज करने की ओर रुक कर चुके हैं, जिसका मतलब था कि स्कीम के ऑप्शंस तैयार करना और फिर मरीज को उनमें से सबसे ग्रेट ऑप्शन चुनने देना। इस प्रचलन का एक कारण पेशेंट प्रोटेक्शन लॉस थे, और एक कारण कैंट्स की प्रभावशाली बुक जिसके अकॉर्डिंग मेडिसिन में क्या सही है इस बारे में मरीजों के मत बहुत भिन्न होते हैं। इसीलिए उनके विचारों को ध्यान में रखना नेसेसरी है, कैंट्स ने लिखा। और एक और कारण कैंट्स की प्रभावशाली बुक। ये मान लेना बहुत ही खतरनाक बेवकूफ़ी है कि अपनी कला और साइंस के प्रैक्टिस में फिजिशियन अपनी नेक नियति और सही ऑप्शंस चुनने की कैपेबिलिटी पर डिपेंड कर सकते हैं। ये इतना आसान नहीं है। मेडिसिन एक कॉम्प्लेक्स प्रोफेशन है, और डॉक्टरों एवं मरीजों के बीच का इंटरेक्शन भी कॉम्प्लेक्स होता है। ये आखिरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिसिन एक जटिल पेशा है, और डॉक्टरों एवं मरीजों के बीच का इंटरेक्शन भी जटिल होता है। क्या आप जानते हैं और कौन सा पेशा जो इसके तरह है? फाइनेंशियल एडवाइस। मैं आपको नहीं बता सकता कि आपको अपने पैसे के साथ क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं आपको नहीं जानता। मैं नहीं जानता कि आपको क्या चाहिए। मैं ये भी नहीं जानता कि आपको ये कब चाहिए, और मैं ये भी नहीं जानता कि आपको ये क्यों चाहिए। इसीलिए मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आपको अपने पैसे के साथ क्या करना चाहिए। मैं आपके साथ ऐसा नहीं कर सकता जैसा उस डेंटिस्ट ने क्लेरेंस ह्यूजेस के साथ किया। लेकिन निसंदेह रूप से डॉक्टर और डेंटिस्ट इनकैपेबल नहीं होते। उनके पास ज्ञान होता है। वे सर्टेनिटी को समझते हैं। वे जानते हैं कि क्या काम करता है, तब भी जब मरीज उनके लिए कौन सा इलाज सही है इस बारे में अलग कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। फाइनेंशियल एडवाइजर भी इसी तरह होते हैं। धन दौलत को लेकर कुछ यूनिवर्सल फैक्ट्स होते हैं, तब भी अगर लोग इसके बारे में अलग अलग कंक्लूजन निकालें कि उन फैक्ट को अपने पैसे पर कैसे लागू किया जाए। इसे ध्यान में रखकर आइए कुछ ऐसी छोटी रिकमेंडेशंस को देखते हैं जो आपको अपने पैसे के साथ बेहतर डिसीजन लेने में हेल्प कर सकती हैं। सबसे अच्छा होने पर ह्यूमिलिटी और खराब होने पर क्षमा ढूंढने का जितना हो सके उतना अटेम्प्ट करें, क्योंकि कुछ भी इतना अच्छा या बुरा नहीं होता जितना दिखाई देता है। दुनिया बड़ी और जटिल है। लक और रिस्क दोनों ही रियल हैं और पहचानने में डिफिकल्ट हैं। खुद को और दूसरों को आंकते हुए ये ध्यान में रखिए। लक और रिस्क की ताकत का आदर कीजिए, और आपकी ऐसी चीजों पर ध्यान देने की संभावना ज्यादा होगी जो आपके कंट्रोल में हो। साथ ही आपकी सही रोल मॉडल को ढूंढने की संभावना भी ज्यादा होगी। कम ईगो, ज्यादा वेल्थ। पैसे की सेविंग्स आपकी ईगो और इनकम के बीच का डिफरेंस है, और वेल्थ वो है जो दिखाई नहीं देती। इसलिए वेल्थ का निर्माण जो आप आज खरीद सकते हैं उसकी चाह को दबाकर किया जाता है, ताकि आपके पास फ्यूचर में ज्यादा चीजें या ऑप्शंस हों। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना कमाते हैं, जब तक आप इस पर लगाम नहीं लगाते कि आज आप अपने पैसे के साथ कितनी ऐश करते हैं, आप वेल्थ का निर्माण नहीं कर सकते। अपनी धन दौलत का मैनेजमेंट इस तरह करें कि आप रात में चैन की नींद सो सकें। ये कहना इससे अलग है कि आपको मैक्सिमम रिवॉर्ड कमाने का गोल रखना चाहिए, या अपनी इनकम का एक रेगुलर परसेंट बचाना चाहिए। कुछ लोग तब तक चैन से नहीं सोएंगे जब तक वो मैक्सिमम रिवॉर्ड ना कमा रहे हों। दूसरे तभी तृप्त एक्सपीरियंस करेंगे अगर उन्होंने कंजर्वेटिव रूप से इन्वेस्टिंग की हो। हर किसी का अपना ही ढंग होता है, लेकिन क्या इससे मुझे रात में अच्छी नींद आएगी का बेस सभी फाइनेंशियल डिसीजन के लिए सबसे ग्रेट यूनिवर्सल गाइड पोस्ट है।
अगर आप एक इन्वेस्टर के रूप में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो सबसे पावरफुल चीज जो आप कर सकते हैं वो है अपनी टाइम होराइजन को बढ़ाना। इन्वेस्टिंग में टाइम सबसे पावरफुल फोर्स है। ये छोटी चीजों में वृद्धि कर उन्हें बड़ा कर देता है और बड़ी गलतियों को धुंधला कर देता है। ये लक और रिस्क को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता, लेकिन ये नतीजों को उस डायरेक्शन में मोड़ देता है जिसके लोग पात्र होते हैं। बहुत सी चीजों के गलत हो जाने को एक्सेप्ट करना सीखिए। आप आधे से ज्यादा बार गलत हो सकते हैं और फिर भी काफी वेल्थ हासिल कर सकते हैं, क्योंकि स्मॉल माइनॉरिटी में कुछ चीजें ज्यादातर रिजल्ट्स का कारण होती हैं। आप चाहे अपने पैसे के साथ कुछ भी कर रहे हों, आपको बहुत सी चीजों के काम न करने पर संतोष करना होगा। दुनिया ऐसी ही है, इसलिए आपको अपनी उपलब्धियों का आकलन अपने पूरे पोर्टफोलियो की ओर देखकर करना चाहिए, न कि अलग अलग निवेशों के बेस पर। बड़ी अमाउंट में खराब इन्वेस्टिंग और कुछ एक एक्सीलेंट इन्वेस्टिंग होने में कोई बुराई नहीं है। आमतौर पर यह सबसे ग्रेट सिनारियो होता है। अपने काम का आकलन करते टाइम अपनी अलग अलग इन्वेस्टिंग पर ध्यान केंद्रित करने से विजेता वास्तविकता से ज्यादा मेधावी नजर आते हैं और हारने वाले उससे ज्यादा खेदजनक नजर आते हैं जितना उन्हें होना चाहिए। वेल्थ का यूज अपने टाइम पर कंट्रोल के लिए कीजिए, क्योंकि अपने टाइम पर कंट्रोल ना होना खुशी के लिए एक पावरफुल और यूनिवर्सल अवरोध है। जो आप करना चाहें, जब आप करना चाहें, जिसके साथ करना चाहें, जब तक करना चाहें, इसकी कैपेबिलिटीज फाइनेंस में मौजूद ज्यादातर डिविडेंड्स प्रोवाइड करती हैं। कम दिखावटी और ज्यादा अच्छे बनिए। कोई भी आपकी जायदाद से इतना प्रभावित नहीं होता जितना आप खुद होते हैं। आप सोचते हैं कि आपको एक महंगी कार और बढ़िया घड़ी की जरूरत है, लेकिन पॉसिबली जो आपको चाहिए वो रिस्पेक्ट और प्रशंसा है, और उन्हें हासिल करने की ज्यादा संभावना दया और ह्यूमिलिटी से है बजाय हॉर्स पावर और क्रोम के। सेविंग्स कीजिए, बस सेविंग्स कीजिए। आपको सेविंग्स के लिए किसी स्पेसिफिक कारण की जरूरत नहीं। कार, ड्यू पेमेंट या फिर किसी मेडिकल इमरजेंसी के लिए सेविंग करना अच्छा है, लेकिन उन चीजों के लिए सेविंग करना जिन्हें डिफाइन करना या जिनका अनुमान लगाना इम्पॉसिबल है, सेविंग करने के सबसे अच्छे कारणों में से एक है। हर किसी की जिंदगी सरप्राइजिंग चीजों की एक जंजीर है। बिना किसी स्पेसिफिक गोल के लिए की गई सेविंग जिंदगी की कन्फर्म्ड अनसर्टिनिटीज के अपोजिशन की ढाल होती है। सक्सेस के कॉस्ट को डिफाइन करें और फिर उसे चुकाने को तैयार रहें, क्योंकि कोई भी बेनिफिशियल चीज फ्री में नहीं मिलती। और याद रखिए, ज्यादातर फाइनेंशियल कॉस्ट पर ऑब्वियस प्राइस टैग नहीं होता। अनसर्टेनिटी, दुविधा और पछतावा फाइनेंस की दुनिया में आम कॉस्ट हैं और वे ज्यादातर चुकाने लायक होते हैं, लेकिन आपको उन्हें फाइन के बजाय कीमत के रूप में देखना चाहिए। एरर की जगह की आराधना करें। फ्यूचर में क्या हो सकता है और आप अच्छी परफॉर्मेंस करने के लिए क्या होते देखना चाहते हैं, इसके बीच का डिफरेंस आपको सहनशीलता प्रोवाइड करता है, और सहनशीलता टाइम के साथ कंपाउंडिंग को जादुई बना देती है। एरर के लिए जगह ज्यादातर कंजर्वेटिव बचाव के जैसा नजर आ सकता है, लेकिन अगर ये आपको खेल में बनाए रखता है तो ये वापस अपने कॉस्ट का कई गुना पेमेंट ला सकता है। फाइनेंशियल डिसीजन की एक्सट्रीम बाउंड्रीज से बचें। टाइम के साथ हर किसी के गोल्स और डिजायर्स बदल जाते हैं, और जितने एक्सट्रीम आपके पास्ट के डिसीजन होंगे आगे बढ़ने पर उतना ही ज्यादा आपको उन पर पछतावा होगा। आपको रिस्क को पसंद करना चाहिए, क्योंकि ये टाइम के साथ रिवॉर्ड प्रोवाइड करता है, लेकिन आपको डिस्ट्रक्टिव रिस्क से बचना चाहिए, क्योंकि ये आपको फ्यूचर में वे रिस्क लेने से रोकता है जो अच्छा रिवॉर्ड चुका सके। जो खेल आप खेल रहे हैं उसे डिफाइन करें, और ध्यान रखें कि आपका व्यवहार उन लोगों से प्रभावित ना हो जो आपसे अलग खेल खेल रहे हैं। होशियार, जानकार और लॉजिकल लोग फाइनेंस में एक दूसरे से असहमत हो सकते हैं, क्योंकि लोगों के गोल्स और डिजायर्स एक दूसरे से अत्यंत अलग होते हैं। कोई एक सही आंसर नहीं होता, बस वो जो आपके लिए काम करता है।